आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, प्रश्न में दिया क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ CO2 के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ CO2, अब पॉइंट्स क्या क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 sigma bonds, 1 with each oxygen atom एंड 2 pi bonds, एंड CO2 इज लीनियर कोवलेंट कंपाउंड एंड इट इज पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए, CO2 जो होता है गाइस, इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखूँ, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, x-4 = 0, क्योंकि कार्बन का मैंने अज्यूम किया x एंड ऑक्सीजन का -2 होता है, इसलिए 2 ऑक्सीजन के लिए -4, तो x यहाँ पर क्या आ गया, +4। ठीक है, अब मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखूँ तो गाइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा हमारा, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके पास 4 valence electrons हैं, ओके, एंड ये 4 2 ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, 2 2 bond बना लेता है, जिसमें 1 sigma 1 pi है, 1 sigma 1 pi, मतलब दोनों साइड के अगर टोटल काउंट करूँ तो 2 sigma और 2 pi bond है, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के साथ ही हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है वो कैसे पता चलती है, कि नंबर ऑफ सिग्मा बोन प्लस लोन पेयर्स को अगर मैं काउंट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बोन कितने हो गए, यहाँ पर एक 2 प्लस लोन पेयर यहाँ पर है नहीं 0, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया 2, और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होती है, 1s और 1p, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, सही, तो हमें गलत बताना है तो ये पॉइंट तो सही हो गया। अब आता है c फॉर्म्स 2 sigma bond 1 with each oxygen atom, तो यहाँ पर बोला 2 sigma bonds बना रहा है, ऊपर वाला सिग्मा मान लो, नीचे वाला पाई, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, तो 2 sigma bond बना रहा है दोनों ऑक्सीजन के साथ, एंड 2 pi bonds, और 2 pi bond भी बनाए, तो ये भी सही हो गया। थर्ड आता है CO2 इज ए लीनियर कोवलेंट कंपाउंड, तो गाइस यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनाया है कार्बन ने ड्यू टू स्मॉल साइज कोवलेंट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लीनियर कंपाउंड है और दिख रहा है हमें सेफ भी इसकी लीनियर है, तो ये भी सही हो गया। अगला आता है इट इज़ ए पोलर मोलिक्यूल, तो गाइस ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पोलर मोलिक्यूल अगर कोई होता है तो उसमें क्या होता है, शुड हैव, पोलर मोलिक्यूल शुड हैव नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बट जो CO2 होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एंड CO2 हैज 0 dipole moment, ओके गाइज, ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इसकी जिस टाइप से बनी हुई है, तो ये पोलराइज अगर होगा तो भी ये एक साइड पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड नेगेटिव होगा, मतलब सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर के कारण क्या हो जाएगी, जो अगर हम देखें सिमेट्री है दोनों साइड, तो अगर ये पोलराइज होगा नहीं, और अगर पोलराइज हुआ तो भी अपोजिट साइंस में इक्वल जुड़कर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, ओके गाइस, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, डी पॉइंट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो ट्रू नहीं है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 million से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।